हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर 2025 का क्वेश्चन नंबर 21। अब पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर इज मेड बाय डोपिंग एन एवरेज ऑफ वन डोपेंट एटम पर 5×10^7 सिलिकॉन एटम्स। इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ सिलिकॉन एटम इन द स्पेसिमेन इज 5×10^28 एटम पर मीटर क्यू, फाइंड द नंबर ऑफ होल्स क्रिएटेड पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इस पे ध्यान दें। इन द स्पेसिमेन डूइंग द डोपिंग ऑल्सो गिव द वन एग्जाम्पल ऑफ सच डोपेंट सॉल्यूशन। देखो, हमें यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, वो लिख लेते हैं। पहले डाटा लिखते हैं, नंबर डेंसिटी ऑफ सिलिकॉन एटम, सिलिकॉन एटम्स। तो नंबर डेंसिटी ऑफ सिलिकॉन एटम दे रखा है हमें, ये रहा 5×10^28 सिलिकॉन एटम पर मीटर क्यूब दे रखा है बेटा, क्योंकि यहां पे सेंटीमीटर क्यूब में पूछा है, तो चेंज कर लो। तो 5×10^28 एटम्स और डिवाइडेड बाई, एक मीटर में 100 होते हैं, तो 10^6 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं हम 5×10^ ऊपर जाएगा तो 22 सिलिकॉन एटम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, नंबर डेंसिटी ऑफ सिलिकॉन एटम का मतलब समझ में आता है। ये हैं आपके, आप चाहो तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हो, ये जो दे रखे हैं नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम पर यूनिट वॉल्यूम, एक मीटर क्यूब वॉल्यूम में ये आपके नंबर ऑफ एटम्स थे। ठीक है। अच्छा, सिंस हमें एक चीज और दे रखी है कि वन डोपेंट एटम सिलिकॉन एटम, इतने सिलिकॉन एटम में एक डोपेंट एटम मिलाया है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन में ये गिवन है, ये भी नंबर ऑफ डोपेंट एटम इन 5×10^7 सिलिकॉन एटम, कितने, वन डोपेंट एटम एक मिलाया है बेटा, इतने सिलिकॉन एटम में इतने डोपेंट एटम मिलाए हैं, ऐसा बोला है, वन डोपेंट एटम इतने सिलिकॉन एटम में। तो इसीलिए नंबर ऑफ डोपेंट एटम इन वन सिलिकॉन एटम, एक सिलिकॉन एटम में अगर निकाले तो 1/5×10^7 डोपेंट एटम, ऐसे। इसीलिए टोटल नंबर ऑफ डोपेंट एटम्स इन कितने में, इतने में 5×10^22 एटम्स। तो कितना लिखेंगे, 5×10^22 डिवाइडेड बाई 5×10^7 डोपेंट एटम, डोपेंट एटम्स। तो ये 5 से 5 कट गया और 10^7 ऊपर जाएगा तो 1×10^15 डोपेंट एटम, डोपेंट एटम्स। इतने तो डोपेंट एटम्स आ गए। अब ये डोपेंट एटम्स पी टाइप में कौन से डोपेंट एटम्स होते हैं भाई? तो पी टाइप में डोपेंट एटम्स होते हैं ट्राइवेलेंट एटम्स, इंप्योरिटीज के रूप में मिलाते हैं हम सिलिकॉन सेमीकंडक्टर्स में, बोरान हुआ, गैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम, कोई सा भी एक ले सकते हो। वो पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ होल्स क्रिएटेड पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जानते हो जितने डोपेंट एटम मिलाते हैं एक डोपेंट एटम से एक होल्स क्रिएट होता है। तो सिंस यहां लिख सकते हैं ईच डोपेंट एटम क्रिएट्स अ होल,
एक होल बनता है, एक डोपेंट एटम से एक होल क्रिएट होगा इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसीलिए द नंबर ऑफ होल्स, दी नंबर ऑफ होल्स क्रिएटेड पर क्यूबिक सेंटीमीटर ये कितने होंगे, इतने इतने डोपेंट एटम आए ना, तो एक डोपेंट एटम से एक होल, तो इतने से कितना हो जाएगा, 1 × 10^15 होल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा, और इसमें सेकंड पार्ट कह रहा है ऑल्सो गिव वन एग्जाम्पल ऑफ सच डोपेंट, तो एक एग्जाम्पल कोई सा भी लिख दो, जैसे बोरोन है तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं डोपेंट, अ डोपेंट, एक डोपेंट का एग्जाम्पल बताना था, तो डोपेंट एटम आप लिखना चाहो तो बोरोन लिख सकते हो, है ना, ये, या फिर आप एल्यूमिनियम लिख सकते हो, इंडियम, गैलियम, कोई भी ट्राइवेलेंट एटम लिख दो, क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो आप प्योर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर्स में हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज मिलाते हैं और बोरॉन जो है आपका ट्राइवेलेंट एटम्स होता है। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।